कि अमेरिका में इलेक्ट्रिशियन की जॉब कैसी होती है, कितना कमा लेते हैं, जॉब कैसे मिलती है, सारी डिटेल्स तो पूरी वीडियो एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना। मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ पर। अमिता पे कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, मम्मी का बर्थडे है तो हम लोग ऐसे ही छोटा सा सेलिब्रेशन घर पे कर रहे हैं। आज किसका बर्थडे बेटू? देखो सब पता है तो मम्मी को नानी नहीं कह के नाना ही कहती है ये। हैप्पी बर्थडे कर दो नानी को पहले। हैप्पी बर्थडे करके दिखा दो ऐसे ऐसे। गुड जॉब। गिफ्ट भी निकाल लिया जाए मम्मी का। इतना गिफ्ट दो 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 गिफ्ट है। भगवान जी नानी को लंबी उम्र दे, हेल्दी रखे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे करो टू यू। मायरा को इतना अच्छा लगता है मेरे पूरे प्यार में क्रीम लगाने में, जब मौका मिलता है लेके, और मैं यहाँ आराम से लैपटॉप पे काम कर रही हूँ और मायरा को देखिए। थैंक यू बेटा। मम्मा की बेटू कौन है? हाँ। मम्मा की प्यारू कौन है? मम्मा की सुंदरू कौन है? अरे मेरा बाबू। मम्मा का सबसे प्यारा बेटा कौन है? हाँ आहा, सबसे ज्यादा प्याली किसको कलती है? ए मेरा क्यूटू बेटा, क्यूटू बेटा। अभी आप इनको मेरे पीछे देख रहे हो, ये हैं इलेक्ट्रिशियन और ये मेरे घर का माइक्रोवेव ठीक करने के लिए आए हुए हैं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अमेरिका में इलेक्ट्रिशियन की जॉब कैसी होती है, कितना कमा लेते हैं, जॉब कैसे मिलती है, सारी डिटेल्स तो पूरी वीडियो एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना। इधर अमायरा बैठी हुई है नानी के गोद में। नानी के साथ खा लो, मम्मा जा रही है वहाँ। कौन आया बेटू? कौन आया है? तेज बोलो। कौन आया बेटू? तुम हाई की मम्मा तो यही है। मम्मा जा रही है अंकल के पास वीडियो बनाने। नाना, मम्मा। और गाइस, जब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अमेरिका में कितना कमा लेते हैं जो भी लोग होते हैं, स्पेशली ब्लू कॉलर जॉब वाले लाइक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, तो आप जान के हैरान हो जाओगे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सही और सच्ची इन्फॉर्मेशन दूँ, जो एक्चुअल काम करते हैं उनसे बात करूँ, उनसे पूछूँ। और हाँ गाइज, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप सबको अमेरिका आने में इंटरेस्ट है और आप सब अमेरिका कैसे आ सकते हो ये सारी डिटेल्स जानना चाहते हो। तो आप सबकी हेल्प करने के लिए मैंने कंसल्टेशन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तब मैं आपसे विद इन 24 आवर्स 30 मिनट्स फोन पे बात करूंगी, आपके जितने भी सवाल होंगे अमेरिका के जॉब से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगी। क्योंकि गाइज, डायरेक्ट आंसर इसका नहीं है, मैं पहले कॉल में आपका बैकग्राउंड समझती हूँ और उसके हिसाब से आपको कोई भी सजेशन देती हूँ। अमेरिका आने के 30 से 40 टाइप के डिफरेंट वीजाज हैं, तो जरूरी है कि मैं आपका बैकग्राउंड समझूं और उसके हिसाब से आप लोगों को कोई भी गाइडेंस दूं। इसीलिए मैंने ये कंसल्टेशन कोर्स रखा है। जैसे ही आप ये कोर्स लोगे तो मैं 30 मिनट्स फोन पे बात करूंगी और साथ में 30-40 डिफरेंट टाइप के वीजास की डिटेल्स मिलेगी आपको मेरी वेबसाइट पे। Hi, what's your name? My name is Benito. Where are you originally from? I'm born and raised in Chicago, Illinois. Uh-huh. My family's from Mexico. Okay. Yeah, so I'm out here right now helping the warehouse out here. Okay. When did your family move here? They moved back in, I believe it was 2001. So you work for Samsung? So we're a contractor. Mm-hmm. We have a contract with Samsung. We don't work for them, but mm-hmm. we have a contract for them. So we do all okay. the repairs on their appliances okay. with Samsung only. Okay. Do you fix all the electric appliances? Yeah, we do all. Work as well? So we do all appliances for Samsung: microwaves, the ranges, okay. refrigerators, TVs, okay. Pretty much anything Samsung we fix. Other brand? Yeah. So I do other calls on the side if customers need help with a different brand like GE, yeah. Whirlpool. Yeah. They will call me directly and ask me for help, and I if I can fix it, I will go out there and do it on myself on my own time. Okay. Did you get any training for this work? Yeah. Samsung okay. Did a training specifically for us. Mm-hmm. We did a 1 year of riding along with another technician, mm-hmm. a few months at a Samsung training center where okay. they train us specifically on appliances and. That's where we get our certificate from. Okay, so did you pay for this training or? No, they pay us to be. Oh, so yeah, but okay. It's like, you know, an apprenticeship, like other jobs. So let's say someone wants to do this work, what would be the steps to follow? To get into this work,
You can go online, just Google appliance repair near me, electric repair near me. Okay. No experience needed. You can always take no experience needed. So then there's companies hiring people who are willing to learn. They don't ask you for a degree or anything like that. Mm-hmm. As long as you're willing to learn and pay attention, you know, the people will take you in and you can learn from there. So even if you don't have any degree, you can do this job? Yeah, you can do this job. I'm still in school for electrical engineering. What's the average pay for a fresher? So average pay is minimum wage in whichever state. Usually they offer you the minimum wage in Illinois. It's around $16. They offer you that per hour. Okay. They don't offer overtime. So during the training. You get $16 an hour. Okay. Once you're on the field actually doing the work, it varies. It depends on which location you work for. Okay. The but location, like here? The location we work for, we get paid per job. Each job pays us $40 to $60. Okay. So say I do 5 or 6 jobs a day, it's $40 to $40 per job. And on top of that, my furthest ticket, say my furthest ticket is 80 miles from me, they pay me $80. So it ranges. And some places pay per hour and our place pays per job. That's nice. So on an average, like monthly, if I have to calculate how much, you know, an electrician can make. So with this job as an appliance technician, you range between, I want to say, $3,000 to $5,000 a month. You make it's good money. It's good money. It's really good money for the job. So like I said, you know, experience needed. As long as you know you're willing to work a lot, take more tickets, and do more work, you can make more money. So, but the average is between $3,000 to $5,000 a month. All right, thank you so much for all the information, and nice to meet you. Nice to meet you as well. Thank you. So guys, इनके जाने के बाद snowfall होने लग गया था, तो हम लोगों ने थोड़ा बाहर snow में जाके ऐसे ही enjoy किया. मुझे बहुत ही पसंद है snowfall, बाहर photos and videos बनाना. तो अगर मैं आपको बताऊँ कि अमेरिका में जो भी ऐसे अप्लायंसेस ठीक करने वाले इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो कितना कमा लेते हैं, तो जैसे इस बंदे ने बताया कि ये महीने का $3,000 to $5,000 आसानी से कमा लेता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीस में हो जाता है 3 to 4 lakh रुपए पर मंथ, बिना किसी डिग्री के. बस इन्होंने 2-3 महीने की ट्रेनिंग की है और उसके भी इन्हें पैसे मिले हैं, और ये सैलरी मैं एक फ्रेशर की बता रही हूँ. सो गाइस देखिए, अमायरा मेरा हेयर ब्रश कर रही है. देखिए कितना काम करती है अमायरा. ये मन से बना रही है मेरे बाल को. इसे बहुत अच्छा लग रहा है. जब क्राई बनती है तब मैं वीडियो बनाती हूँ. नानी कह रही है देखो, क्राई बेबी जब बनती हो ना तब का वीडियो बनाने. हा? क्राई बेबी बनती हो ना तुम? हाँ. क्राई बेबी कैसे बनती हो? हाँ. पता तो तुमको सब है. फोन बंद कह रही है, डांट रही है, फोन बंद करने कह रही है. फोन क्यों बंद? आई लव यू. हमारा ये सारे बुक का एनिमल जो है सारे, उसको पैंट में चिपका रही है और हम लोग निकाल रहे हैं तो उसके बाद ढूंढ रही है ना बेटू. हम लोग अभी छुपा दिए थे, मम्मी अभी पिलो के नीचे छुपा दी थी, तो ये ढूंढने लग गई. डॉल्फिन कहाँ गया? वहाँ सॉक्स में कोई चिपकाता है बेटा. हाँ. ये क्या है? ऊपर 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 ऊपर. हाँ तुम और बता रही हो इसको, और क्या करें, बीच में एक दो पे चिपका रही है तो उसको नहीं चल रही है.